अहमदाबाद फर्जी आईपीएस, फर्जी टोल बूथ, फर्जी कार्यालय और फर्जी अदालतों के साथ साथ फर्जी जजों का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें फर्जी मध्यस्थता के जरिए अरबों रुपए की सरकारी जमीनें हड़प ली गईं। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और फर्जी जज मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार ने करंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मॉरिस की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने फर्जी कोर्ट में मौजूद कंप्यूटर और उपकरणों को जब्त करने का आदेश दिया है। इस तरह का अपराध 2015 में मणिनगर पुलिस स्टेशन में भी दर्ज किया गया था। आरोपी है, उसका नाम है मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। ये जो है, इसने पीएचडी कर रखा है एलएलबी, वो लॉ के अंदर, और एलएलबी भी कर रखा है। उससे पहले इसने इंजीनियरिंग किया है और ये साबरमती का रहने वाला है ओरिजिनली। इसके जो पेरेंट्स है, वो मदर है, वो गोवा से है, और जो फादर है, वो उसने बताया उस हिसाब से राजस्थान का रहने वाला है। और ये पिछले कुछ टाइम से आर्बिट्रेशन का काम कर रहा है। ये जो मामला है, इसके अंदर कल जो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है, वहाँ से जो रजिस्ट्रार है, उन्होंने हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई है। जो ठाकुर बाबूजी छनाजी का जो मैटर है, उससे रिलेटेड उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। हाँ, इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है, और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसमें फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसमें, जिसमें इसने 2000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो उस पार्टी को दी, और 10000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दिए।